मुझे लग रहा है सारे गांव होने वाली है, वो भी खत्म पैसा हजम। ये क्या है इतनी बड़ी चीज, जो उखाड़ सकता है उखाड़। सारी व्यवस्था लिए घूम रहा है जेपी। मुझे लग रहा है सारे गांव खेतों के आज यही छूट गए। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? अच्छा गदर टू, गदर मत बचा देना भीतर। अभी थोड़ी देर में राशन मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? इंतजार करते रहो, थोड़ी देर में राशन मिलेगा। देखा गया, जो उखाड़ सकता है उखाड़। मौज आ रही है, मौज देख रहा है तो बेटे। गदर टू, गदर टू, गदर मचा दो आज। गदर ही गदर, गदर ही मचा दो। ये मूवी के टाइप है, इंटरवल की भीड़ काफ़ी सारी। अच्छा खासा क्राउड है, जो अपने अब्बू को हिंदुस्तान से यहाँ तक ढूंढने आया है। अखबारों को तो मसाले मिल गए और लोगों को तमाशे। चल आ जा। वो भी खत्म पैसा हजम। ऐड भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, पैसा दिया है इसलिए ऐड भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल हम गए थे गदर मूवी देखने, गदर टू, ठीक है मूवी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा बेकार भी नहीं कहेंगे, ठीक है, इंटरटेनमेंट है, ठीक ठाक। तो ये कौन सी जगह है जीपी? नहीं नहीं ये कौन सा वो है आश्रम? ये है एक आश्रम है। हाँ भाई कौन सा आश्रम है जेपी? है भाई ये है श्री राम चंद्र मिशन आश्रम, छपरौली में पड़ता है, नोएडा, सेक्टर 167। यहाँ आम भी लगे हैं। अपना फ्लैट नंबर भी बता दे, लगे ला रहे हैं, यही दावत दिए जो भी आएगा। ये अमरूद लगे हुए हैं, ये देखो, सारे में हरियाली हरियाली है।
ये देखो सारे में अच्छी खासी हरियाली बना रखी है। ये हमारी एंट्री गेट है। ये जयप्रकाश बड़े वीआईपी जगह में रहता है, शुद्ध वातावरण। ये है जगह, ये है हमारा हार्टफुलनेस का आश्रम लखन। बता भाई इसके बारे में, बता कैसे कैसे क्या है, किस किस चीज के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। बस सजावट के लिए लगा हूँ। यहाँ पे हर संडे को भंडारा होता है तो जेपी यहीं पर खाता है टूट के। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है वो बताया आश्रम में। यहाँ पे बेसिकली मेडिटेशन होता है। आपको शांति से बैठने हैं, 45 मिनट का हमारा मेडिटेशन होता है। हम लोग अपने भगवान को याद करते हैं 45 मिनट। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे करते पर डे हैं, बट बाहर से लोग आते हैं सिर्फ संडे संडे को। तो वो तो इसमें यहाँ पे होता है ना बड़े हॉल में, बड़े हॉल में बैठे। यहाँ कैमरा की नज़र में है, ये देखो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारा डाइनिंग हॉल है जहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाता है, जहाँ पे भंडारा होता है जी भैया। जो हमारा वो विनायकम ने साफ को पता है, दो आदमी जब भी साफ करता है। देखो सारे में अपना अच्छे से पेड़ ये नहीं बस लगा रखे हैं, काम खत्म, अच्छे से साफ सफाई कटिंग वगैरह करके। यहाँ पे आपको नींबू के पेड़ मिल जाएंगे, अनानास के पेड़ मिल जाएंगे, अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे, जामुन है, और क्या क्या है जी, और क्या क्या है जी यहाँ पे। एक तो अमरूद का पेड़ है, अनानास है, अनार है, कड़ी पत्ता है, और के हो गए, केले हो गए, सारी फैसिलिटी। आम के भी पेड़ आई थिंक है ना, ये क्या है इतनी बड़ी चीज भाई। ये बड़ी वाली नींबू है, बताओ जी। बिठे कितना बड़ा है, ये है जी अनार, अभी पकेंगे है ना, छोटे हैं तो बढ़ेंगे। ये तो पके थोड़े मोटे हो गए ना, ये फूल आ रहे हैं अनार पे, ये भी कच्चे हैं, अभी पकेंगे। अभी केले के पेड़ हैं, देखो इस पे केले भी लग रहे हैं। जेपी की सेहत यहीं से बनती है, यहीं से केले खाता है और यहीं से सेहत बनाता है। ये फिर पका के देते भी तुम लोगों को, नहीं देते। ये क्या है, केले में से निकल रहा है क्या ये भी है, इसमें से काटा गया है ना, ये क्या है, केले आया था काटा गया है। इसे चींटी भी लग रही है ना, जैसे देखो उसमें देख, इसमें चींटी भी लग रही है। ये देखो जी केले, हाँ उधर ये केले पेड़, कटहल के पेड़, ये हो गया तुम्हारा बेलपत्ता। तो बोला था ना बेलपत्ता, देख ये है बेलपत्ता, इस पर तो कुछ भी नहीं लग रहा फिलहाल तो। अरे तो इस पर अभी लगेगा, कितने छोटा थोड़े इस पर बेल लगेंगे, सीजन में लगेगा कि कभी भी लग जाता है।
यहाँ पे वो भी तो थे गेंदा के पेड़, गुलाब के फूल भी तो थे, ये सारे गुलाबी तो है। अच्छे भी पकेंगे ना फिर, काट दिया ना ये। ये तुलसी है ना, ये क्या तुलसी है, ये सारी तुलसी, तुलसी की बॉन्डी है, तुलसी की पूरी तरीके हिसाब से बना रखी है, कटिंग वटिंग करके मस्त। ये हो गए तेरे गुलाब के पेड़, ये हो गए जी गुलाब, ये देख कटहल को कैसे काट काट के कर दिया, इस तरह से डिजाइन बना रखा कटहल का। काफी हरियाली हरियाली है, कलर इसमें क्या होता है, ये कपड़ा भी बांध रखा है। अरे वैसे बांध दिया, छोटे छोटे केली, अभी तो केली है, केली से वो आ रहे हैं नीचे, देखो इतने छोटे से होते हैं पहले। ये देखो सारी व्यवस्था रही है, घूम रहा है जेपी।